नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल मोंगा है और आज 19 जुलाई 2018 है। दोस्तों, मैं भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कहीं पर भी पढ़ाते हैं, मैं उनको एक चुनौती देने जा रहा हूं कि आप मुझे साबित कीजिए कि पृथ्वी स्पिन करती है, घूमती है, उसकी इतनी स्पीड है, उतनी स्पीड है, जितने भी स्पीड है जो आप लोगों ने पढ़ी है, आप साबित करके दिखाइए कि पृथ्वी ग्लोब की तरह है। और मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि पृथ्वी प्लेट की तरह है, गोल है, स्टेशनरी है, यानी कि मोशनलेस है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आप अपने तथ्य लेके आइए और मैं अपने तथ्य लेके आता हूं, और फिर अपनी कॉमन सेंस से एक डिस्कशन करके, डिबेट करके नहीं, गाली गलौज करके नहीं, एक डिस्कशन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें नासा, इसरो और जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, पूरा वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज जो हैं, वो कैसे लोगों को उल्लू बना रही हैं। भारत देश का पैसा इसरो को दिया जाता है। मुझे चिंता यह है कि मेरे देश का जो पैसा है वो कहां जा रहे हैं, वरना आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी ग्लोब है या चपटी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। चपटी का मतलब गोल से बात हो रही है, किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फंड्स, जब करोड़ों करोड़ों रुपए इसरो को दिए जाते हैं और पता लगता है कि सैटेलाइट्स बाहर जाते ही नहीं है, पृथ्वी का जो मॉडल हमें बताया जा रहा है, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, और स्कूल में हम उन्हें भेजकर झूठी चीज पढ़ा रहे हैं, जहां हम लोग 5,000, 4,000, 10,000, 20,000 रुपए पर मंथ अपने बच्चों की फीस के लिए दे रहे हैं, चाहे 1,000 दे रहे हैं, 2,000, वो बिल्कुल झूठी चीज पढ़ रहे हैं, तो समझिए आप कि हमारे बच्चे क्या प्राप्त कर रहे हैं। झूठ के लिए स्कूल जा रहे हैं वो। मैं ये चीज साबित करने जा रहा हूं 30 सितंबर 2018 को शाम को 4 बजे दिल्ली के इंडिया गेट में। इंडिया गेट के सामने वाले जो लॉन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे हाथ में होगा एक ग्लोब और एक भारत का झंडा, क्योंकि अगर भारत का झंडा हाथ में है तो इसका मतलब हम लोग सच का साथ देते हैं। हमारा कोई अलग से कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही धर्म है, सच और सच का साथ देना। और मैं अपनी तरफ से उस व्यक्ति को 11,000 रुपए दूंगा जो मुझे साबित कर देगा, थ्योरी से नहीं, अपने तथ्यों से, कॉमन सेंस से, कि पृथ्वी घूमती है। नासा ने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में जड़ के रखे हुए हैं, आप उन चीजों को साबित कर सकते हैं तो बताइए, वरना आइए मैं आपको आपके कॉमन सेंस से प्रूव करके देता हूं, क्योंकि आपके कॉमन सेंस और मेरी कॉमन सेंस 10/10 है। हम सोच नहीं रहे हैं, बस यही फर्क है, हम जो किताब में पढ़ते हैं उसी को हां करके कर रहे हैं, और इसी का फायदा कि जो किताब छापने वाले हैं, ये कहां से कब शिक्षा शुरू हुई हमारी, हम इस पे भी पूरा बात करें, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ है। और मेरी आपसे विनती है कि आप आने से पहले, जितने भी लोग डिस्कशन का पार्ट होने चाहते हैं, वो आने से पहले इस विषय को रिसर्च अवश्य कीजिए। करने के लिए YouTube है, या आप किसी से भी पूछिए, आप किताबें पढ़िए, जहां से पढ़िए, और मैं आपको इस चीज के सबूत दूंगा कि पृथ्वी जो है स्टेशनरी है, एक घड़ी की तरह से, गोल घड़ी होती है उसकी तरह स्टेशनरी है, जैसे आपके घर में एक प्लेट होती है बिल्कुल वैसी है, और पृथ्वी से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सैटेलाइट के नाम पे ये जो साइंटिस्ट जितने भी हैं, ये बाहर भेज रहे हैं सैटेलाइट्स, ये कहां जा रहे हैं, हम वहां पर आके इस चीज में बात करेंगे। और अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप जो सजा मेरे लिए मुकर्रर करेंगे, मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके मुझे कहता है कि मुझे इस व्यक्ति को जेल भेजा जाए क्योंकि इसने लोगों की भावनाओं को हर्ट किया है, तो बिल्कुल वैसा ही किया जाए, मेरे पे केस ठोका जाए। लेकिन अगर मैंने अपनी बात को साबित कर दिया तो उन लोगों पर भी केस ठोका जाए जिन लोगों ने हम लोगों को अंधेरे में रखा, और आज तक 1962 से लेके आज तक जितने भी इसरो के नाम पे फंड्स एलोकेट किए गए हैं उसका हिसाब किताब देकर भारत देश पर, भारत देश के जो लोग हैं उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया जाए। मर्जी आपकी है, मैं इस ओपन चैलेंज के लिए उन लोगों को बुला रहा हूं जो लोग कहते हैं कि
साइंस के ऊपर सिर्फ साइंस पढ़ने वालों का अधिकार है, आप आइए, क्योंकि मैं तो एक नॉन साइंस स्टूडेंट हूं, नॉन साइंस स्टूडेंट नहीं, नॉन साइंस स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं। तो आइए आप 30 सितंबर 2018 को दिल्ली के इंडिया गेट के सामने वाले लॉन में, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे हाथ में होगा एक ग्लोब और एक भारत देश का झंडा, 3:45।